गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यू इन एसेंट ऑनलाइन क्लास। अपना जो फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट अभी हुआ था लास्ट वीक, उसका सॉल्यूशन पेपर आज अपन सॉल्व करें। सबसे पहला क्वेश्चन आया था अपने, 1 + tan² θ इज इक्वल टू क्या होगा, sec² 25 डिग्री, sec² 30 डिग्री, sec² 45 डिग्री या sec² 60 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, एक आइडेंटिटी होती है, 1 + tan² θ इज इक्वल टू होता है sec² θ। इसका मतलब 1 + tan² 60 डिग्री इज इक्वल टू भी क्या होगा, sec² 60 डिग्री। अब sec² 60 डिग्री अपने कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या आया था, द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री विल बी, यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे ही अपन जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ते हैं तो उसके अंदर tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालने पर कितनी आती है, 1। तो इसमें अपने tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए में ही दिया हुआ है 1। फिर क्या कह रहा है, इफ़ cosec θ इज इक्वल टू 2/√3 देन दी वैल्यू ऑफ थीटा, यानी cosec θ इज इक्वल टू ये है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/4 होगी, π/3 होगी, π/2 होगी या π/6 होगी, जो भी होगी वो ऑप्शन में बताना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, cosec θ इज इक्वल टू 2/√3, ये थीटा cosec इधर आएगा तो cosec inverse 2/√3, 2/√3 cosec θ के अंदर cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या होगा, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अब थीटा 60 डिग्री को अपन π/3 भी लिख सकते हैं, तो अपना जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। बी में क्या आया हुआ था, π/3, यानी अपने जो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, π/3। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 36/100 विल बी, यानी 36/100 है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.36, 0.37, 0.38 या 3.6। तो क्या करेंगे, 36/100, 36 को जब भी अपन 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.36। इसका मतलब जो अपने करेक्ट ऑप्शन है डी में तो था 3.6, यानी ये भी नहीं है, 0.38 ये भी नहीं है, 0.37 ये भी नहीं है, 0.36 यानी ए ऑप्शन है वो अपना क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो अपना है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसा नंबर जिसको p/q की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है वो क्या होगा। तो ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है रेशनल नंबर की, तो इसका मतलब वो क्या होगा, रेशनल नंबर। तो अपना सही आंसर हो गया ए, यानी रेशनल नंबर। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 0 इज है, अब 0 कैसा नंबर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर और नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो अपने जो 0 है वो क्या आ रहा है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर क्या है, ए यानी 0 इज ए होल नंबर। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/7 विल बी, यानी 1/7 की वैल्यू क्या होगी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1/4 2/8/5/7, 1/4 2/8/5/7 ऐसा है जो रिपीटिंग हो रहा है। तो इसका मतलब जैसे ही रिपीटिंग हो रहा है तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो ये जो बार वाला जो ऑप्शन है 0.12 1/4 2/8/5/7 बार, इसका मतलब रिपीट हो रहा है। तो अब ये जो अपना जो आंसर आया वो कौन से ऑप्शन में, ए में। इसका मतलब अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। बाकी जो 0.87 है वो भी गलत है, 0.615 है ये भी गलत है, 0.242857 बाहर ये भी गलत है। फिर अपने क्या आ रहा है,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज बिटवीन द रेशनल नंबर 1 एंड 2, यानी इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में, तो जिसका डिनोमिनेटर 6 से, अगर 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 6 को 8 से भी डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी 3/2, यानी आ रहा है 1.5, जो कि 1 और 2 के बीच में आता है। 6/12 करते हैं तो भी 1/2 आता है, यानी ये भी 0 और 1 के बीच में आता है, लेकिन 1 और 2 के बीच में नहीं आता है। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि 1.5 है जो 1 और 2 के बीच में आता है, और वो है 6/4, यानी सी आंसर है वो अपना सही होगा। फिर अगला जो 9th क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी अपन टेबल बनाते हैं तो साइन 90 की वैल्यू होगी 4/4, यानी क्या होगा, 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर कह रहा है 3/4 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो 3/4 का होल स्क्वायर मतलब होता है किसी के ऊपर स्क्वायर आया उसका मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी 3/4 × 3/4 आ जाएगा 9/16। अब ये अपने कौन से ऑप्शन के अंदर, ए में है, इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाकी वाले सब गया है रॉन्ग आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।